हाँ तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को टूल के बारे में बताते हैं। कई बंधुओं का कमेंट आया कि भाई यार एक बार टूल के बारे में हमें बता दीजिए, टूल ये सब कैसे उपयोग में आते हैं। तो मैं कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। एक हम कोई छोटा सा डिज़ाइन बना लेते ताकि आप लोग समझा सकें, ठीक है। चलो हमने डिजाइन बनाया, अब ये है मिक्सचर कॉपी। कोई भी डिजाइन अगर आपको चारों ओर कॉपी करना है तो मिक्सचर कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको एक लाइन में ही कॉपी करना है, ये एक लाइन में होगा, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऊपर को, चाहे लेफ्ट या राइट, ठीक है, या ऊपर या नीचे, तो ये लाइन कॉपी होगी, ठीक है। उसके बाद में मिक्सचर कॉपी लाइन कॉपी आपको बता दिए, अब शुरू से शुरू करते हैं। ये है मूव शॉर्टकट। इसका काम यह है कि ये अभी नहीं बताएगा, जब डिजाइन कंपाइल हो जाता है तो ये बताता है कि ये गेड़ा किधर को जा रहा है और ये किधर को आ रहा है, ठीक है। ये है सेलेक्ट कराने का शॉर्टकट, इससे आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करा लें, ठीक है, कहीं भी ले जाएं सेलेक्ट करा के इधर उधर रख लें। फिर ये आगे पेंसिल, ठीक है, इससे हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये पेंसिल से अपना कोई भी डिजाइन क्रिएट करो। उसके बाद में ये लाइन कॉपी, ठीक है, ऐसे आकार बन जाता है, फिर इंटर कर दो बस। उसके बाद में लाइन खींचना है तो इसका उपयोग कर लो, कलर कोई भी ले लो, कलर का कोई चक्कर नहीं, ये लाइन बनाने का काम, ठीक है। फिर इससे क्या है, ये तिरछी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जहाँ तक मर्जी खींचते चले जाओ, फिर इंटर कर दो, वहीं पे ख़त्म, या डबल क्लिक कर दो, ठीक है, फिर भी ख़त्म। उसके बाद ये बॉक्स, ये चार कोने का बॉक्स बनाने का काम आता है, ठीक है। उसके बाद में ये है, ये जो खाली बॉक्स बनाया ये भरा हुआ बॉक्स बन जाए। फिर ये इसका भी सेम प्रयोग है, इसका भी सेम है। फिर ये गोले बनाने के काम आते हैं, खाली गोला बनाना है इसका उपयोग करो, भरा बनाना है तो इसका उपयोग करो। फिर इससे ये चौखंडा बर्फी टाइप में बनाना है तो इसका प्रयोग करो, ठीक है। और ये भी इसी काम आता है, त्रिकोण बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। ये भी भरा हुआ, तो ये सेम है, ऐसे ही आप करके ट्राई कर लेना। जो मेन काम है वो इसका है और पेंसिल का है, इस लाइन का है और इसका, ये कॉपी का है, ठीक है। बाकी ये सुइयां कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो ये टी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना हो, ठीक है। यहाँ कलर हमने नहीं लिया था, कलर जो सेलेक्ट कराएंगे लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन कॉपी, इसको लाइन में कॉपी करने के लिए, ठीक है। और फिर ये मिक्सचर कॉपी है, मिक्सचर कॉपी से आप एक बार में ही चारों तरफ जिधर को चाहे उधर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इधर को करना इधर, कर लें इधर, करना इधर। उसके बाद ये एक बढ़िया टूल है। इससे क्या होता है, जैसे कि हमने ये लिखा हुआ, ठीक है, अगर इसमें बीच में कोई दूसरा भी कलर है, मान लो कलर,
तो हमें कलर ले जाना है तो कलर ले जाओ, नहीं ले जाना है तो सिंगल ही, ठीक है। और हम इसका प्रयोग करें और एक बार ऐसे रख दिया, प्रेस क्लिक करते चले जाएं तो ये उसी लाइन में चला जाएगा, ठीक है। बाकी डिजाइन नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जितना क्लिक करते रहें कॉपी होता चला जाए। ओके, तो ये आगे इसके काम। ये डिलीट के काम भी आता है। उसके बाद में इसे हम मिक्सचर, ठीक है, मिरर, इसको हम कॉपी करा के इसे एक बार में ऐसे पलट जाता, ठीक है, मिरर कॉपी हो जाता। अगर इसको ऊपर नीचे के ऊपर मिरर करना है तो इसका प्रयोग कर लो, और अगर मिरर कॉपी साथ के साथ करनी है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो इस मिरर कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको ये आ गया कलर फ्रिल शॉर्टकट, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम किसी एक कलर को ही कलर कर दें, जैसे हमने 7 नंबर ले लिया और ये 4 नंबर के ऊपर मार दिया तो ये जहाँ तक है एक कलर हो गया। फिर आता है ये फ्रिल कॉपी। फ्रिल कॉपी में ये होता है कि जैसे अब ये हमने ये छोटा सा डिजाइन बनाया, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करा लो चाहे इससे सेलेक्ट करा लो, बात एक ही, ठीक है। और सेलेक्ट कराया उसके बाद यहाँ कॉपी कर लिया, उसके बाद फ्रिल कॉपी को उठाया और ऐसे कर दिया, तो ये आता है फ्रिल कॉपी इस काम में, ठीक है। उसके बाद ये आ गया रिप्लेस कलर। इससे क्या है कि ये 7 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है और 1 नंबर है, तो इसमें अगर हम किसी कलर को रिप्लेस करना चाहें, जैसे कि 7 को हमने 1 नंबर कर दिया तो यहाँ पे गए और 1 कर दिया, ठीक, तो रिप्लेस कलर इस काम में आता है। और फिर आ गया ये फ्रिल राउंड। इससे क्या है कि जैसे एक ही राउंड होगा, देखो ये हमने यहाँ 11 नंबर ले लिया, ये अभी कलर में ये करेंगे तो कलर, ये करेंगे तो राउंड, कलर अपना सीधी खड़ी लाइन बना देगा, ठीक है, एक ही ओनली वन। और राउंड में अगर करेंगे तो एक राउंड में क्लिक लाइन बना देगा, ठीक है। तो ये इसका ये काम। और ये है स्प्रे गन, ये हमने लाइन में कर रखा है तब ये इतना हो गया, नहीं तो ये स्प्रे करेंगे, ये लेफ्ट राइट करके आप चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले से रहता है, यहाँ पे करना पड़ता है, और ये स्प्रे कर देंगे जहाँ जहाँ ऐसे स्प्रे। और अगर इसको कंटिन्यू दबा के रखेंगे तो डिजाइन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है मॉडिफाई साइज, जैसे कि अब ये आप 20x48 और 20x48 का एक साइज है, एक फाइल है, अगर इसको आप बड़ा करना चाहें, ठीक है, जैसे कि 24x48 हो गया, ये साइज पूरे फाइल का बढ़ गया, जो स्पेस ये इतनी थी और बढ़ गई, ठीक है। और फिर ये आ गया इंसर्ट राउंड। इससे क्या होता है, हम यहाँ पर आपको 6 राउंड भर दें, ठीक है, आप कंट्रोल दबा के 6 दबाएं 8 दबाएं, जितना दबाएंगे ऑटोमेटिक भर जाएगा। और हम यहाँ पे मार दिए, ठीक है, ये 6 बढ़ गया लंबाई में, ओके। और फिर अगर इसको इंसर्ट एम्प्टी राउंड करेंगे तो ये 6 खाली हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हम दोस्तों यहाँ
इससे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इंसर्ट कॉलम यूज करेंगे तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट एम्प्टी कॉलम यूज करेंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे ये डिलीट राउंड, अगर डिलीट राउंड का प्रयोग करेंगे तो ऐसे लंबाई घट जाएगी, ठीक है। फिर अगर डिलीट कॉलम का प्रयोग करेंगे तो डिजाइन कट जाएगा, चौड़ाई घट जाएगी, ओके। उसके बाद ऊपर बॉर्डर, नीचे बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर अगर करना है, ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर बनाना है तो इनके प्रयोग में ये आता है, आपको बता देता हूँ ये है, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करिए, ठीक है। ये अदर बॉर्डर, अगर इस कलर के बाहर बॉर्डर बनाना है, ठीक है, ये जो गोल्ड कलर लिया हमने 11 नंबर, अगर इसके बाहर बनाना है तो ये क्लिक कर लीजिए, अगर अंदर बनाना है तो ना क्लिक करें, ये टिक हटा दें, ठीक है। अब हमने दो सुइयों का बॉर्डर बनाना है तो ओके कर दें, ठीक है, दो ही है ना, दो का कर लिया। उसके बाद कोई कलर ले लें, ठीक है, ऐसे मार दें, जैसे आप क्लिक करें उसके अंदर बॉर्डर बनता चला जाएगा, ठीक है। अगर इस कलर के बाहर बनाना है तो इसको क्लिक कर लो, ठीक है, उसके बाहर बन जाएगा। अगर लेफ्ट का बनाना है ऊपर का तो ऊपर बन जाएगा, ठीक है। नीचे बनाना है तो ऊपर क्लिक करिए, नीचे बन जाएगा। फिर इसी प्रकार लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर चारों तरफ बनाना है ये टूल इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर सब कुछ क्लियर करना है, क्या करते हैं कि एक तो क्लियर ये है, क्लियर कलर लंब, इससे क्या होता है जहाँ तक ये रहेगा वहाँ तक करेगा, ठीक है, एक पेज। लेकिन अगर ये क्लियर हम करते हैं तो ये सारा कुछ क्लियर कर देगा पूरा, डिलीट एक बार। और ये आता है रोटेट के काम में, जैसे इसको हमें रोटेट करना है तो पहले सेलेक्ट करा लें, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल, किधर को कितना रोटेट करना है, यहाँ ठीक है, ठीक है। इधर को रोटेट करना है तो इससे कर लीजिए। उसके बाद अगर जूम आउट कराना है तो ये इससे जूम आउट करा सकते हैं, 165 105 का है, हम यहाँ 400 कर दें, क्लिक कर दें, ये जूम आउट और जूम इन करा सकते हैं इसका, ठीक है, 50 भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा भी है। अब आगे इसका साइड हो, इस पर क्लिक करें, ये जैसे हमने अपने बॉर्डर लगाया था ना ऊपर नीचे, ये भी वही एक तरीका है। यहाँ पे आप कलर बदल लीजिए, जैसे 11 नंबर दे दिए हमने, 11 नंबर, फिर उसके साथ में कितना देना है, 12 नंबर देना है, 12, फिर उसके बाद अगर इधर क्लिक करेंगे तो ये इधर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इधर क्लिक करेंगे तो ऊपर लग जाए, तो ये होता है। अगर 5 ही करना है तो 5 कर दो, 6 करना है 6 कर दो, ठीक है, ये इस प्रकार काम करता है, सेम चीज़ है ये वाली, ठीक है। पेज क्लियर इससे होता है, यही बता दिया। मैजिक वांड करना है तो ये एक कलर उठाने का है, तो इससे कलर उठा सकते हैं कोई भी कलर, ठीक है। जैसे इतने डिजाइन बने पड़े हैं तो हमको सिर्फ यही कलर लेना है तो हम यही कलर सिर्फ उठा सकते हैं, मैजिक वांड का ये काम,
ये काम मैं सीखूँगा। यह हम एक ही कलर उठा सकते हैं, जैसे इंजीनियर उठा हम सिर्फ इतना ही उठा लेंगे, नो सेलिप नो कुछ, ठीक है। फिर ये इधर ऐसे 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 कलाकारी कर लो जो करना, ठीक है। ये भी वही मैजिक ग्राउंड वर्क का ही काम है, इसका इस जैसे ये करता है वैसे ही करता है। इसका भी टुकड़ा फिर उठा लो और मेरे राल करना है, पूरा डिजाइन बना के मेरे करना है। तो ये हम पहली बार कर रहे हैं, हो गया पूरा डिजाइन मेरे कर देता। काम तो ये भी वही करता, ये भी वही करता, ये भी वही करता। टूल बार सेटिंग करना है, जो जो करना है इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। इतनी वीडियो बहुत है, बाकी अगली वीडियो में ऊपर के सारे टूल के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। सीखो और सिखाओ।